जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पीपल के पत्ते की छोटी सी कहानी कि किस प्रकार एक पीपल के पत्ते ने राधा रानी की कृपा प्राप्त की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पीपल का पेड़ वृंदावन की सीमा पर खड़ा था। पेड़ की दशा कुछ ऐसी थी कि वह अपने अंतिम समय में था। तभी अचानक उस पेड़ पर एक नया पत्ता उगा। छोटा सा पत्ता लोगों को आते जाते देखता और क्या सुनता कि हर कोई राधे 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 ऐसा बोलता है। तब पत्ते ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस नाम का जाप करूं। वह निरंतर राधे राधे नाम का जाप करने लगा। धीरे धीरे पत्ता बड़ा होने लगा। अब वह पत्ता अपनी वृद्धावस्था में था। तब एक दिन अचानक राधा रानी ने सोचा कि क्यों ना आज श्री कृष्ण के धाम जाया जाए। तब उन्होंने अपनी दो सखियों से कहा, आज हम श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन चलेंगे। सखियां भी तैयार हो गई। तब श्रीमती राधा रानी ने एक बड़ा ही सुंदर हीरे मोतियों से जड़ित लहंगा धारण किया और पैदल ही यात्रा प्रारंभ की। लहंगा इतना भारी था कि कभी झाड़ियों से टकरा रहा तो कभी कंकर पत्थर लहंगे में आके अटक जाते, किंतु वे किसी को भी अपने लहंगे से हटा नहीं रही थी। चलते चलते श्रीमती राधा रानी उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी अचानक से हल्की सी हवा चली, पत्ता पेड़ से हटा और श्रीमती राधा रानी के लहंगे में जाकर अटक गया। श्री राधा ने इसके बाद अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया। तब उनकी एक सखी उनसे पूछती है कि राधे, तुम्हारे इतने सुंदर लहंगे पे ये सूखा पत्ता अटका है, तुम इसे हटाते क्यों नहीं? तब राधा रानी ने कहा कि भूल से भी कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपनी शरण से नहीं हटाती। फिर ये तो जब से जीवन प्रारंभ हुआ है मेरे ही नाम को रट रहा है, इसका इसे फल तो मिलना ही चाहिए। चलो इसे भी श्री कृष्ण के दर्शन करा देते हैं। इसके बाद राधा रानी ने उस पत्ते को श्री कृष्ण के दर्शन कराए और वह पत्ता सदा सदा के लिए श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। तो बोलो राधा रानी की जय। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी, हरे कृष्णा।